नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि बाप नंबरी बेटा दस नंबरी। यही कहावत आजकल सटीक बैठ रही है। बॉलीवुड के खान और ड्रग्स गैंग पर एक तरफ जहां शाहरुख खान कई लड़ाई झगड़े और कई लोगों से विवाद को लेकर चर्चा में रहते हैं, वहीं उनका बेटा अब ड्रग्स लेने को लेकर चर्चा में है। मुंबई में क्रूज पर रेव पार्टी में आखिर ड्रग्स कैसे पहुंचा और उसे लेने वाले कौन कौन लोग थे, इस पर एनसीबी ने बड़ा खुलासा किया है। आखिर ये खान ड्रग्स गैंग किस तरह के ड्रग्स लेता है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है शाहरुख खान, जिन्हें पूरी दुनिया और बॉलीवुड किंग खान के नाम से जानता है। और अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये है किंग खान के ड्रग एडिक्ट बेटे आर्यन खान, जो किंग खान के उत्तराधिकारी और अपनी ऐशबाजी के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर आर्यन खान ने अपना और अपने पिता का नाम गर्त में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कल 2 अक्टूबर था। एक तरफ जहां पूरे देश में गांधी को याद कर उनके आदर्शों पर चलने की बातें हो रही थीं, जो बॉलीवुड गांधी जी के नाम पर पैसा कमाने के लिए कई फिल्में बना चुका है, तो वहीं किंग खान के बेटे शाहरुख खान मुंबई में एक क्रूज पर गांधी जयंती मना रहे थे, वो भी ड्रग्स और बार बालाओं के साथ। तभी इसकी खबर एनसीबी यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लग गई। फिर क्या था, नार्कोटिक्स विभाग के अफसरों ने छापेमारी की और वहां जो खुलासे हुए हैरान करने वाले ही नहीं बल्कि शर्मसार करने वाले थे। एनसीबी ने खुलासा किया कि क्रूज पर ड्रग्स ले जाने के लिए काफी शातिराना उपाय अपनाया गया था। लड़कियों के अंडरगार्मेंट्स में ड्रग्स को ले जाया गया था। लड़कियां जो इस पार्टी में गई थीं, वो अपने अपने अंडरगार्मेंट्स में ड्रग्स छिपा कर लेकर गई थीं। यही नहीं, लड़के पैंट की सिलाई, अंडरगार्मेंट्स और पर्स के कवर में ड्रग्स लेकर पहुंचे थे, जिसे ये बॉलीवुडिया नशेड़ी खान गैंग पी रहा था। छी, आर्यन, तुम्हें तो किंग खान का बेटा कहने में भी शर्म आती है। आखिर कितना गिर गए हो तुम लोग, तुम्हें लड़कियों के अंदर गार्मेंट में रखे गए ड्रग्स को भी पीने में घिन नहीं आती है। शाहरुख खान, अगर आपका बेटा बिगड़ गया है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब तुम भारत के युवाओं को बिगाड़ने के लिए गुटखा, सिगरेट और शराब का प्रचार करते हो, तब इस बात का ख्याल नहीं करते कि ये युवाओं को बर्बाद करेगा। लेकिन जो दूसरों के सामने गड्ढा खोदता है, भगवान उसके सामने खाई परोस देता है। और शायद यही हुआ। तुम गुटखा, सिगरेट और शराब का प्रचार करते हो और ऐसे में तुम्हारा बेटा अगर चर्सी हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।